हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू कन्वर्ट इमेजेस टू पीडीएफ फाइल्स विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे इमेजेस को आप सिंगल एक पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, किसी भी तरह के एक्सटेंशन वाले इमेज को आप पीडीएफ में स्टोर कर सकते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर के मदद से। पीडीएफ में स्टोर करने का फायदा ये है दोस्तों कि ये कम मेमोरी में ज़्यादा इमेज फाइल स्टोर कर सकते हो, ये ज़्यादा सिक्योर भी रहेगा और इसे आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है। तो ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों 8 इमेजेस हैं टोटल, तो इन सबको मैं एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसे पीडीएफ में स्टोर कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा सिक्योर होता है दोस्तों और कम साइज में ही आपका सारा पिक स्टोर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले सारे पिक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप कितने भी इमेज स्टोर कर सकते हो, मोर देन 1000, मोर देन 2000, लाइक दिस। और सबको सेलेक्ट करके दोस्तों राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे जाओगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ। ठीक है, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे अगर लेटर सेलेक्ट करोगे तो आपका साइज बस इमेज का थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप टैबलॉइड सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप चाहते हो कि इमेज एज इट इज़ रहे तो। और यहाँ पे क्वालिटी है दोस्तों, साइड में क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। टेबलॉइड फॉर्म में अगर आप सेलेक्ट करोगे दोस्तों तो आपको इतने सारे फॉर्म मिल जाएंगे कि आप एक पेज में 4 इमेज रख सकते हो। इस तरीके का इमेज आप ओरिएंटेशन कर सकते हो, किस तरीके से अरेंजमेंट आप चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें। और अगर आप चाहो तो एक पेज में इतने सारे इमेज भी स्टोर कर सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों जिन्हें सेफली आप रखना चाहते होगे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। एक ही पीडीएफ में किस तरीके का अरेंजमेंट होगा पिक का, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे एक पेज में एक इमेज को रख रहा हूँ। और आप एक इमेज के कितने कॉपीज़ बनाना चाहते हो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक 1, 2, 3, 4। आप जितने नंबर यहाँ पे कॉपीज़ के सेलेक्ट करोगे, एक ही इमेज उतने टाइम्स आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उस पीडीएफ में आपको उतनी टाइम्स दिखेगा वो इमेज। और अब दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना और मेक श्योर कि ये दोनों टिक होना चाहिए ताकि अगर आप इन फ्यूचर आप प्रिंट करना चाहो तो क्वालिटी डिग्रेड ना हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पीडीएफ का नेम लिखना है। ट्रायल नेम दे देता हूँ पीडीएफ का और लोकेशन आप देख लें कहाँ सेव कर रहे हैं और आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये बस कुछ ही टाइम लगेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इमेज है तो मे बी 1 to 2 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे क्रिएट होने में पीडीएफ फाइल। और ये मेरे पास बहुत कम इमेज था तो ये देखिए अब पीडीएफ क्रिएट हो गया ट्रायल नाम का यहीं पे। और अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, जैसे ही मैंने पीडीएफ ओपन किया दोस्तों, इस एक ही पीडीएफ में सारे के सारे इमेज इस तरीके से अरेंज होकर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे इमेजेस को एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसानी से। और इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ये ज़्यादा सेफ है क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना पीडीएफ के अगर पिक को रखते हो तो हो सकता है कि बहुत सारे पिक इधर उधर हो जाएं और आप गलती से डिलीट भी हो सकता है। बट एक पीडीएफ में होने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये ज़्यादा सिक्योर रहेगा और कोई भी पिक एक ऑर्डर में रहेगा, यहाँ पर ऑर्डर में भी रखा जा सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर सकते हो पीडीएफ क्रिएट करने के वक्त। और आप देखो, अगर साइज अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे सारे पिक की, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ नीचे में देख रहे हो 2.2 MB है। और अगर इस पीडीएफ की साइज़ देखो तो 1.50 MB ही है दोस्तों। तो आप देख रहे हो 8 इमेजेस में ही साइज़ में फ़र्क आ गया है। तो इस तरीके अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लाइक 200-300 MB है इमेज या मोर देन दैट, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा दोस्तों अगर आप पीडीएफ में स्टोर करोगे तो यहाँ पे ये भी एक फ़ायदा है दोस्तों कि आपका जो भी इमेज है वो कम साइज़ में ही आप स्टोर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और ये ज़्यादा सिक्योर भी है और इसमें दोस्तों यूज करना, इस पीडीएफ फाइल में सर्च करना कोई भी इमेज बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि आप एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। आप चाहो तो पीडीएफ में इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो इमेज को अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। जैसे आपको बहुत ज़्यादा इमेज कैरी करने का हर वक्त जरूरत नहीं है, बस आप एक पीडीएफ कैरी करके सारी इमेज को यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बाय।